अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गाजर का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा गाजर की रेसिपी, गाजर का मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने 1 किलो गाजरें ले ली हैं। इसके अंदर फोक के साथ हम सुराख कर लेंगे अच्छे तरीके से। फोक के साथ इसके अंदर सुराख कर लेने हैं ताकि जो हमारी चाशनी होगी वो अच्छे तरीके से इसके अंदर जज़ब हो जाएगी। तो जी दोस्तों हमने अपनी गाजरों में अच्छे तरीके से सुराख कर ली है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो चीनी। तो जी दोस्तों हमने गाजरों को अच्छे तरीके से चीनी लगा दी है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको बताऊंगा कि इससे आगे क्या करना है। तो जी दोस्तों आप देख सकते हैं कि चीनी माशाल्लाह सारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको डालेंगे एक सॉस पैन में और इसको आग के ऊपर रख लेते हैं। तो जी दोस्तों हमने इसको एक सॉस पैन के अंदर माशाल्लाह डाल लिया, बहुत प्यारे सॉस पैन के अंदर डाला है हमने। अब इसके अंदर इसके नीचे हम मीडियम फ्लेम जला दी है। इसको हम धीमी सी आँच पर हम पकाते रहेंगे ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह ये देखिए हमारे गाजरें और चाशनी बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। आप लेमन जूस इसमें ऐड कर देंगे तो आप इसको भला 1 महीना तक रख लें, ये ख़राब नहीं होगा। पूरा 1 लेमन हमने इसके अंदर डाल दिया है। ये देखें 4 से 5 अदद इलायची के। अब इसको ऊपर से डांप देंगे। डांपने के बाद इसको 10 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे, मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि माशाल्लाह हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका होगा। माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारा मुरब्बा तैयार हो रहा है, चेक करें आप। माशाल्लाह देख सकते हैं आप जो है। ये देखिए आप बड़ी नरम हो चुकी हैं गाजरें। तो जी दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा मुरब्बा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमने आग इसके नीचे से बंद कर दी है और अब हम इसको करते हैं डिश आउट। डिश आउट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हमारा मुरब्बा तैयार हो चुका है। तो जी दोस्तों माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमारा मुरब्बा बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। आप भी इसको घर में बनाने की ट्राई करें। अगर इसको बनाने में किसी किस्म की भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।